बाकी दोबारा से वायरिंग सारी खोलते हैं, सारी वायरिंग खोलने के बाद में वायरिंग हटा के। बाकी एक दिक्कत और आ रही है इसमें यार, काफी टाइम से वो दिक्कत पहले भी थी, तो पहले उस वक्त मैं इसको को इग्नोर कर दिया था। इसमें क्या था, पाइप इसका छोटा पड़ गया था, और बाकी जो टैंक का काम, टैंक में तो हमारा इशू हो गया था, दोबारा से दिक्कत हो गई थी, मैं टैंक क्या रिप्लेस ही कर रहा हूँ। बाकी भाई इसका वायरिंग का लफड़ा थोड़ा सा काफी हो रहा है, क्योंकि भाई इसका जो ना ये जो सेंसर है सबसे ज्यादा जगह। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज करने वाले हैं अपने बीस्ट के अलाइविल पेंट, और बाइक पे भी पेंट करने वाले हैं। तो काफी टाइम से सोच रहा था मैं कि पेंट करने के लिए, क्योंकि उसका क्या पिछले अलाइविल मैंने चेंज किया था, तो उसमें काफी ज्यादा रस्ट आया हुआ था और पेंट का जगह जगह छूटा हुआ था, और बाइक से बिल्कुल भी मैच नहीं, सबसे पहली बात तो बाइक से बिल्कुल मैच नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था। वो बाइक में भी कई जगह पे क्या था कि मैं नेवी मोडिफिकेशन करी थी, चेंजिंग की थी, तो वेल्डिंग वगैरह की थी, तो वहां से ही पेंट उखड़ गया था। तो इसलिए भाई पेंट करने जा रहे हैं अपनी बाइक पे, और पीछे बाइक भी पेंट करेंगे, और पूरी इसी बॉडी भी खुलने वाली है। जो वायरिंग का भी छोटा मोटा काम है, क्योंकि वायरिंग की वजह से क्या डैमेज हो रही है, तो वायरिंग भी करेंगे उसकी, अलाइविंग पेंट करेंगे, पूरी बाइक पेंट करेंगे, और फोक लैंप वगैरह भी शिफ्ट करेंगे, और छोटी छोटी और भी मोडिफिकेशन है जो हम करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से स्टार्ट करें वीडियो को किसी देरी के। तो भाई ये खड़ी अपनी बाइक देख सकते हो कि अभी क्या है, थोड़े दिन के लिए मैं कहीं बाहर चला गया था, जयपुर वगैरह, तो भाई दो तीन दिन बाइक मेरी क्या खड़ी रही थी, और बाइक पे क्या कपड़ा सिर्फ मैं मारता, मेरे अलावा कोई हाथ लगाता नहीं इसको। तो आप एक बार हालत देख सकते हो भाई, मट्टी देख रहे हो, पता नहीं कितनी किलो वॉशिंग करके खड़ी करी थी मैंने, तो पता नहीं भाई कितनी किलो इसके ऊपर मट्टी इस वक्त जम चुकी है, देख सकते हो आप। तो भाई इसकी क्या है, टैंक वगैरह हमने खोल चुके थे, टैंक खोल के हमने निकाला, इसमें टैंक में कुछ इशू आ गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जहाँ पे हमने कुछ वेल्डिंग की थी, तो वेल्डिंग क्या हुआ कुछ टाइम तक तो सक्सेसफुल आई, उसके बाद फिर दिक्कत देने लगी दोबारा। तो टैंक इसका हमने मंगा लिया था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शायद दिखाया भी होगा, तो टैंक अपने मंगा दिया, टैंक अपना ये पड़ा हुआ है। तो बाकी इसमें टैंक में भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करनी है इसमें, बाकी फटाफट पहले बाइक को बाहर निकालते हैं, उसके बाद में इसको पेंट करेंगे, लाइविल वगैरह टैंक पेंट करेंगे और पूरी बाइक पेंट करेंगे। बाकी ये एंटक भी आई अपने पास में काम होने के लिए, एक्सीडेंटल है, बाकी इसकी भी पूरी डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ। तो फर्स्ट अपनी बाइक निकालते हैं, उसका काम स्टार्ट करते हैं। भाई बीस का मोस्टली काम हो चुका था, पेंट का हमने पेंट वगैरह कर दी थी रात में, और अलेवल का जो पेंट करना था अलेवल का भी पेंट कर दिया था। पेंट का थोड़ा सा मेरे को आइडिया था कि किस तरीके से इसमें पेंट करना है, कहाँ कहाँ पे पेंट करना है, बाकी अलेवल का काम कम्प्लीट हो चुका था। अपनी बाइक का पूरा मैट ब्लैक जो पेंट करना था, मैट और ग्लोसी ब्लैक मिक्स करना था, वो काम कम्प्लीट कर दिया था। बाकी भाई इसकी अब क्या वायरिंग करने आ रहे हैं, वायरिंग देख सकते हो कि इसकी काफी ज्यादा खराब हो रही है यहाँ से, ये जो फैली हुई है ना, देखिए हैंडल के नीचे से काफी वायरिंग बाहर आ रही है, तो उसको भाई वायरिंग को पूरा सेट करना है, और बॉडी की फिटिंग करनी है फटाफट से, क्योंकि मैंने गाड़ी पेंट की थी अभी दो तीन दिन पहले, उसके बाद मेरे को टाइम लग नहीं पाया इसका वो काम करने के लिए। तो बाकी भाई बिना किसी देरी के पहले इसका पीछे का लेवल फिट कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी में भी छोटी मोटी जो भी कमी है उसके बाद वो कमी देखेंगे। ये फर्स्ट इसकी चेन में साउंड है वो साउंड बंद करनी है, और ये जो वायरिंग है वायरिंग बंद करनी है, और इंडिकेटर भी इसके चेंज करने हैं, और जो अपने फोग लैंप है वो भी कहीं पे शिफ्ट करने हैं। तो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट भाई लाइविल में पहले डिस्प्ले इंस्टॉल करने वाले हैं, इसके स्क्रू सारे खुलवा लेंगे, इसको खुलवाने के बाद में फर्स्ट में डिस्प्ले अपने इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले मैंने खोल दी थी, क्योंकि क्या होता है बिना डिस्प्ले खोले अगर पेंट मारते हैं डिस्प्ले भी पूरी बेकार हो जाती है, तो डिस्प्ले मैंने खुलवाई थी, फर्स्ट में डिस्प्ले इंस्टॉल करवाते हैं। तो भाई चेन स्प्रॉकेट में जो दिक्कत आई थी, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने देख लिया है, क्या साउंड आ रही थी वो मैंने सेट कर दी है। बाकी इसकी चेन स्प्रॉकेट वगैरह पीछे का लाइव इसका फिट कर दिया, बाकी इसकी टेल बिठा रहे हैं, और भाई टंकी में एक छोटी सी दिक्कत आ गई कि टंकी में क्या पेट्रोल लीक हो रहा है, वहां से पेट्रोल नहीं हो रहा जहां से मैंने क्या बोलते हैं वेल्डिंग की थी लास्ट टाइम, वहां से पेट्रोल लीक नहीं हो रहा है, पेट्रोल क्या है कहीं और से लीक हो रहा है इसका। तो भाई अभी टंकी फिलहाल मैं खाली करवा रहा हूँ, टंकी खाली करवाने के बाद मैं देखता हूँ कि इसका पेट्रोल जो लीक हो रहा है क्यों लीक हो रहा है, क्या रीजन है। बाकी भाई देखते हैं क्या करना है इसका, टंकी का वेल्डिंग करके काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट है नहीं इतना। बाकी मडगार्ड इसका लगवा रहा है, मडगार्ड लगा रहा है, टेल भी डाला है इसकी, कनेक्शन इंडिकेटर मैं करूंगा इसके, बाकी फ्लैश कनेक्शन कर लेते हैं। तो भाई बीस्ट की अपनी हेडलाइट खुलवा चुके हैं, क्योंकि वायरिंग का थोड़ा सा काफी ज्यादा तामझाम बिखरा हुआ था यहाँ से, काफी टाइम से मैंने बाइक मॉडिफाइड किया था, तो वायरिंग इसकी छेड़ी नहीं है, तो दोबारा से वायरिंग छेड़ेंगे, और जहां पे टेप लगनी होगी टेप मारेंगे, और बाकी दोबारा से वायरिंग सारी खोलते हैं, सारी वायरिंग खोलने के बाद में वायरिंग हटा के दोबारा से फिर से इसकी वायरिंग तरीके से की जाएगी, क्योंकि इसकी हेडलाइट इसकी काफी टाइम से मैं जलाने लगे, तो हेडलाइट लाएंगे। बाकी फ्लैश की वायरिंग जो अपने यहाँ पे फोग लैंप लगा था उसकी वायरिंग वायरिंग यहाँ से हट दी है, और हेडलाइट वेडलाइट की सारी वायरिंग बहुत ज्यादा इसकी डैमेज होती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ डैमेज हो जाए आगे जाके कुछ ज्यादा वायरिंग इसकी, तो वायरिंग दोबारा खोलेंगे, खोलने के बाद दोबारा की वायरिंग में सेट कर देता हूँ। तो भाई जस्ट अपना मडगार्ड लग चुका है, टैंक लगा चुके हैं, और अपने इंजन के अंडरबेली लगा चुके हैं, बाकी पीछे के टेल फिट कर दी है, इसका सीट और साइड पैनल बाद में फिटिंग करेंगे, बाकी स्विंगम विंगम सारा कम्प्लीट इसका फिट हो चुका है, बाकी स्विंगम विंगम चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। साउंड का एक बार इसको चलाने के बाद पता लगेगा कि साउंड में कुछ इशू तो नहीं है गाड़ी के अंदर में, साउंड तो नहीं आ रही कोई चेन वैन की। बाकी एक दिक्कत और आ रही है इसमें यार, काफी टाइम से वो दिक्कत पहले भी थी, तो पहले उस वक्त मैंने इसको दिक्कत को इग्नोर कर दिया था। इसमें क्या था, पाइप इसका छोटा पड़ गया था,
तो अभी भी देख सकते हो पाइप इसका काफी ज्यादा छोटा पड़ा है। अभी तो फिलहाल इसको अंदर से लिया है, पाइप जो है ना ये इसका काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है, तो इनकेस ऐसा ना हो कि पाइप कभी ये लाइफ में चल के खिसके टूट जाए, तो ये पाइप इसका यार चेंज करेंगे मायापुरी से लेके आऊंगा जाकर मैं। नया तो काफी कॉस्टली होगा, 500-600 रुपये का होगा, मायापुरी से 50-100 रुपये तक पाइप मिल जाएगा इजिली। तो एक इसका पाइप लेके आना, थोड़ा सा लंबा लेके आना, ज्यादा लंबा लेके नहीं आ रहा है, बाकी मायापुरी देखो एक आदमी में चक्कर लेगा, मुझे कुछ सामान लेके आना था तो इसका वहां से पाइप उठा लेंगे। बाकी भाई इसका वायरिंग का लफड़ा थोड़ा सा काफी हो रहा है, क्योंकि भाई इसका जो ना ये जो सेंसर है सबसे ज्यादा जगह यही घेर रहा है, और लाइट लगाने के बाद में पीछे इतना स्पेस नहीं आता कि पीछे इतना स्पेस नहीं रह पाता है कि आप वायरिंग लगा दो या सेंसर लगा दो, स्पेस नहीं बन पाता है बिल्कुल भी, तो ये थोड़ी सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी स्विच लगा दिया आपने हेडलाइट के लिए, आपका स्विच लगा चुके हैं यहाँ पे, नया स्विच लगा दिया हेडलाइट के लिए। बाकी एक स्विच अपना ये हो गया अपने फॉग लैम्प का हो गया, एक अपना जो अपने फैन लगा रखे हैं यहाँ पे रेडिएटर पे उसका हो गया, एक अपना हजार पैसा का हो गया। बाकी भाई करना तो है ही, बाकी इसका देखते हैं फॉग लैम्प कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे टेम्पररी यहीं पे फिट कर रहा हूँ मैं, काम इसमें काफी है, धीरे धीरे सारा काम करेंगे एकदम से नहीं खींचेंगे, तो अभी जस्ट फिलहाल मैं इसका वायरिंग का काम कर लेता हूँ, उसकी हेडलाइट फिट कर रहा हूँ। भाई 20-25 मिनट हो गए अपने हेडलाइट की वायरिंग कर दी है, हेडलाइट का स्विच लगा चुके हैं, बाकी हेडलाइट की पार्किंग लाइट जला दी है, बाकी हेडलाइट को क्या फिट करने वाले हैं। हेडलाइट के अंदर मिट्टी काफी आ गई थी, तो उसको पहले मैंने क्लीन करा थोड़ा सा, मैं आपको एक बार हेडलाइट जला के दिखाता हूँ। और फोकस यार हेडलाइट का काफी सही है, यूं नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये बिल्कुल डल फोकस हो या बेकार फोकस हो, बेटा चक्की ऑन करना भाई की चाबी ऑन करो, तो भाई ये देख सकते हो कि ये अपना हाई बीम हो गया, एक बार स्विच नीचे दबा, ये अपना लो बीम हो गया और ऊपर अपना हाई बीम आ जाएगा, ये अपना हाई बीम आ गया। बाकी पार्किंग लाइट जो हो गई अपने सिस्टम मैंने करी रखी है, एक बार मनु लाइट पकड़ी हो, बाकी अपनी एक बार हेडलाइट, वैसे हेडलाइट तो बहुत कम यूज करता हूं मैं, बाकी ये अपनी सर्कल वाली पार्किंग लाइट आ गई, इसे हेडलाइट अगर ऐसी ऑफ करेंगे ना तो ये अपनी सर्कल वाली पार्किंग, भाई ये ज्यादा यूज करता हूं मैं क्योंकि इसका लुक बहुत, अगर फ्रंट से हम देखेंगे ना तो लुक बहुत प्यारा आता है इसका, तो ये फटाफट से हेडलाइट को फिट करते हैं, वायरिंग में सेट कर देता हूँ, बाकी वायरिंग में टेप वेप जो मान की मार दी है भाई फटाफट से वायरिंग सेट कर देते हैं। तो भाई हेडलाइट का काम फिटिंग हो चुका है, अपना हेडलाइट फिट कर दिया है और अपना जो वाइजर था जो बनाया हुआ था वाइजर ही फिट कर दिया है, बाकी आपको इसके बाद की ऑन करके दिखा देता हूँ बाइक की, ये कर दी भाई चाबी हमने ऑन, ऑन करने के बाद भाई साहब रिंग देख लो, तो भाई बेटा सवाल थोड़ा सा साइड हुई हो, फोन में इतना परफेक्टली दिखती नहीं है क्योंकि जो फोकस आता है ना फोकस की वजह से क्या पूरी साइड वाइट दिखाई देती है, बाकी आप साइड से देखोगे ना तो आपको हल्का सा रिंग दिखेगा। तो बाकी इसकी हमने जो वाइजर फिट कर दिया, लाइट फिट कर दिया, आगे का मडगार्ड फिट कर दिया है, और बाकी जो टैंक का काम है, टैंक में तो हमारा इशू हो गया था, दोबारा से दिक्कत हो गई थी, मैं टैंक क्या है रिप्लेस ही कर रहा हूँ क्योंकि मैं यार अपना रिक्स लेना नहीं चाहता हूँ, टैंक रिप्लेस कर रहा हूँ। बाकी सेकंड यहाँ पे साइड में जो हमने पल्ले बना रखे थे ना, साइड के जो पीस बना रखे थे ब्लैक कलर के मैंने, तो साइड के मैंने ये पीस बना रखे थे, तो ये पीस के हम हटाने वाले हैं क्योंकि ये पीस जो है हमारा पूरा कवर नहीं हो पा रहा था, ऊपर का हिस्सा कवर नहीं हो पाता, नीचे का हिस्सा कवर नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है इंडिकेटर में अपने ये वाले रिप्लेस करूंगा या लगेंगे तो बाद में देखा जाएगा। तो भाई यहाँ का पीस क्या है पूरा कंप्लीट बनाने वाले हैं, जो पीस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से स्टार्ट होगा और हमारा ऊपर तक आएगा मीटर पर, और मीटर के यहाँ पे जो हमारा गैप आता है ये हिस्सा जो ये गैप आता है, तो ये गैप थोड़ा सा खराब सा लगता है यहाँ का साइड का इस साइड का, तो ये गैप भी कवर करने वाले हैं। बाकी ऊपर का गैप ये भी देखकर कोशिश करेंगे कि ये हिस्सा भी हमारा कवर हो जाए। बाकी अभी क्या है अपने गत्ते से फ्रेम बना रहे हैं, गत्ते से फ्रेम बनाने के बाद में अपने टीन शेड लगे, टीन शेड की कटिंग करने के बाद में टीन शेड की कटिंग करके फिर वेल्डिंग करके, क्योंकि अपना फाइबर का कोई जुगाड़ है नहीं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि फाइबर बॉडी जो बनती है किस हिसाब से बनती है और कहां से मटेरियल मिलता है, तो उसका अभी कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, तो अभी फिलहाल मैं टीन से बनाने वाला हूँ, टीन को गैस वेल्डिंग कराएंगे और उससे कटिंग करके बढ़िया तरीके से बना देंगे, बाकी इसकी नोज लगाएंगे लास्ट में एकदम से। बाकी अभी मैं इसका फ्रेम बना रहा हूँ, बाकी कल आने के बाद मैं इसे टीन मंगा के उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। तो भाई अभी क्या है बाइक का अपना ही इतना काम खिंचवाया, बाकी भाई अभी क्या टाइम ज्यादा होगा तो हम लोग निकल गए, बाकी काम जो प्रोसेस होगा कल आगे करेंगे, जो भी वेल्डिंग का काम कराना है जो ये फिटिंग वनिंग बना रही है। तो भाई ज्यादा ज्यादा एक बात और बोलूंगा कि भाई वीडियो को भाई लाइक शेयर कमेंट कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना वीडियो को लाइक करते हो, व्यू अच्छे आते हैं मगर लेकिन लाइक नहीं आते वीडियो पे, भाई लाइक कर दिया करो यार, पैसे थोड़ी करते हैं लाइक करना। तो अभी के लिए निकलते हैं भाई, फिर आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और देखेंगे बाकी का कल क्या काम होगा, बाकी जो भी काम होगा उसकी वीडियो बनाने वाले पूरी डिटेल वीडियो, अभी के लिए निकलते हैं भाई, टेक केयर, गुड नाइट।